अंजलि, हाँ हाँ मैंने बुक पढ़ी, उसमें लिखा है कि अमर खन्ना नुपुर दिल्ली में, तो क्या स्टोर रूम में उसका भूत बैठा हुआ है? वो कमरे में वो पर्दा, मेरा अमर मर चुका है। कबीर को मैंने मारा और नुपुर को भी। ये हमारी बदकिस्मती है कि सियांस पूरा नहीं हो सका, वरना हम जान जाते कि दिशा चाहती क्या है और क्यों तुम सबकी जान के पीछे पड़ी है। अगर आज आपने अक्षय को नहीं बचाया होता, दिशा तो उसे मार ही डालती। इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा वो हमें मारने की कोशिश नहीं करेगी? आज दिशा ने दिखा दिया कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। यही चिंता मुझे सता रही है कि दिशा की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, उसकी शक्ति का असर कम या खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि हमें यह पता चले क्या चाहती है वो, क्यों उसने नुपुर और कबीर की जान ली है। कम ऑन टली, अक्षय मैंने किताब पढ़ी। क्या हुआ टली, बता तो सही क्या हुआ? इसमें दिशा की कहानी है। What? हाँ, मुझे शक था कि दिशा का और इस किताब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरा शक सही निकला अक्षय, नुपुर और कबीर ने ये किताब पढ़ ली, इसलिए दिशा ने उन्हें मार डाला यार। लेकिन बुक पढ़ने से दिशा किसी को क्यों मारेगी? अरे यार, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई ये जान जाए कि वो मर चुकी है। शी इज अ स्पिरिट। नुपुर और कबीर को उसकी असलियत पता चल गई थी यार। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? यही पता लगाने मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। कृष्णा कॉटेज? हाँ, कृष्णा कॉटेज, वही बंगला, वही हॉन्टेड हाउस जहां हम मानव की सगाई की रात रुके थे। दिशा की हमसे मुलाकात पहली बार उसी दिन हुई थी। अब ये जानने के लिए कि दिशा का हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा अक्षय, मेरी वजह से हमारे दो दोस्तों की मौत हुई है। लेकिन टल्ली, तुझे क्या पता था? इसमें तेरी क्या गलती है? अरे गलती मेरी है यार। तू नहीं जाएगा अक्षय। इस किताब की कहानी मुझसे शुरू हुई थी, खत्म भी मैं ही करूंगा।
अक्षय, अक्षय, टली, 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 तू ठीक है ना? अक्षय, थैंक गॉड तू आ गया यार। मैंने तुझे कहा था ना इस कृष्णा कॉटेज में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देख, अब समझा, अब समझा यार, इसी वजह से तो दिशा हमारे पीछे पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टली, हाँ? तू घबरा मत, हम ये ले जाकर सुनीता जी को दिखाएंगे। अरे लेकिन सुनीता जी को दिखाकर क्या फायदा यार? टली घबरा मत। अच्छा, मैं टली, मैं हूं ना तेरे साथ। टली मेरी बात, मैंने इसे कितना समझाया लेकिन इसने, इसे पता था यहाँ इसकी जान को खतरा है, फिर भी ये यहाँ आया। कह रहा था 22 साल पहले दिशा यहाँ रहती थी, यही से उसकी असलियत का पता चलेगा। पता चल गई उसकी असलियत? दिशा 22 साल पहले यहाँ रहती थी, ये बात तली को कैसे पता चली? किताब से, कहीं अनकहीं बातें। ना इसने ये किताब पढ़ी होती और ना ये कहीं अनकहीं बातें। ये तो प्रोफेसर दास की कहानी है, हमें प्रोफेसर दास के घर जाना ही होगा। दिशा, तुम्हारा मासूम चेहरा आज भी मेरे दिलो दिमाग में उतना ही ताजा है जितना कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर बुरी याद। सोचा था यह हादसा आखिरी होगा मगर नहीं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, ओह माय गॉड, लवर्स पॉइंट कहाँ है? शिमला से 15 किलोमीटर दूर।